तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी टेलीकॉम आपका चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो रही है और आपको कैसे मोबाइल में चार्जिंग सेक्शन ढूंढना है, और अगर आपकी चार्जिंग आईसी खराब हो गई है तो कैसे आप एक जनरल डायोड लगा के अपने मोबाइल में चार्जिंग को आप कंप्लीट कर सकते हैं और चार्जिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास एक सैमसंग का मोबाइल आया हुआ है। तो इस सैमसंग के मोबाइल में हमने ट्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चार्जर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे दिखाइए, यहाँ दिखाइए जरा। तो यहाँ पर ये देखिए चार्जर लगा हुआ है। यहाँ पे हम चार्जर पे सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको 20 वोल्ट पे किया हुआ है, और यहाँ पे हमने इसको 20 वोल्ट पे किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर हम इस पर हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो हॉट टेस्टिंग में हम जो रेड वाला है उसको रख देंगे, तो ये दोनों एक साथ दिखना चाहिए, पर रख देंगे। रेड जो ब्लैक वाला है उसको ग्राउंड रखते हैं, और जो रेड वाला है उसको टेस्टिंग पॉइंट पर रखते हैं। और यहाँ पे हमें देखिए 5.6 वोल्टेज मिल गया है, इसका मतलब ये है। और ये देखिए, यहाँ हमने कहाँ रखा हुआ, चार्जिंग के 1 रुपये। थोड़ा जूम करके दिखा दो उनको, चार्जिंग वाले पॉइंट पे। हाँ, और चार्जिंग वाले पॉइंट पर जूम कर दो। तो चलिए, चार्जिंग वाले पॉइंट पर जूम कर दो। चलिए, यहाँ हमने यहाँ रखा हुआ है, और अब थोड़ा जूम आउट कर लिए। चलिए, और यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर दिखना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5.5, मतलब चार्जिंग कनेक्टर एकदम सही है। हमने थोड़ा इसका ट्रेस किया तो हमने यहाँ पे कैपेसिटर भी मिल गया हमें। तो थोड़ा सा ये देखिए, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर पे हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल गए हैं। हमने थोड़ा इसको ट्रेस किया हुआ है, तो हमने यहाँ पर चेक किया है, तो यहाँ पर भी हमें 5.6 मिल गया है। और ये देखिए, यहाँ पर चार्जिंग आईसी जो लगी होती है वो चार्जिंग आईसी निकली हुई है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये चार्जिंग आईसी ये निकली हुई है। हम इस पर भी हॉट टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सर्किट सही है कि नहीं है। तो वोल्टेज बिल्कुल सही मिल रहा है, मतलब आईसी में भी वोल्टेज सही है। हमने जब बैटरी कनेक्टर पे चेक किया, तो बैटरी कनेक्टर पे हमें देखिए कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0.9। मतलब प्रॉब्लम आईसी में है, तो आईसी नहीं है। अगर ये 0 आता है एकदम, तो ये सर्किट की प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइनें ट्रैक ब्रेक होती। पर ये प्रॉब्लम में है क्योंकि 0.1 से ऊपर आ रहा है, मतलब वोल्टेज आ रहा है, मतलब आईसी की प्रॉब्लम है। तो देखिए, या तो हम यहाँ इसमें आईसी लगा लें, या तो हम एक जनरल डायोड यूज करें। तो ये देखिए, ये जनरल डायोड है। तो यहां पर ये मैंने जनरल डायोड लेके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, जनरल डायोड है, और ये जनरल डायोड में ये सिरा जो माइनस होता है, जो ब्लैक होता है, ये माइनस होता है, और ये वाला सिरा प्लस होता है। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बी मोड पर चेक करते हैं। मल्टीमीटर लो और उसको थोड़ा जूम आउट करो, जूम इन करो। हाँ, तो यहां पर देखिए, इसको बी मोड पर लेते हैं। अब यहां पर हम रखेंगे तो ये एक सिरे पे, एक जगह पे रीडिंग आएगा, एक जगह पे रीडिंग नहीं आएगा। तो यहां पर रीडिंग नहीं आ रहा है, उसको पलट के देखे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये रीडिंग आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है। और जहां पे मेरा प्लस है, रेड है, वो पॉजिटिव होगा, और जहां पे मेरा माइनस है वो निगेटिव होगा। तो मुझे करना क्या है, जो इसका जनरल डायोड का निगेटिव है वो बैटरी कनेक्टर में लगाना है, बैटरी कनेक्टर के प्लस में लगाना है, और जो इसका पॉजिटिव है वो इसके प्लस में लगाना है, चार्जिंग कनेक्टर के प्लस में लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम कहिया ले लेते हैं। चलिए, तो इसको जूम करके दिखाना, ठीक है, जैसे उससे। तो देखिए, ये हमने प्लस के साथ लगा दिया, थोड़ा इसको जूम करके दिखा दो। ये हमने इसका जो माइनस है डायोड का, वो हमने बैटरी कनेक्टर के प्लस में लगा दिया है। हम क्या करेंगे, यहां का ये जम्पर ले लेंगे, मुझे एक ट्विजर देना जरा। हम क्या करेंगे, इसका जो यहां से हमने जम्पर लगाया हुआ, देखिए निकल के फिर से लगा देते हैं अच्छे से। चलिए, इस बार लग गया है। हम यहां से जम्पर लेंगे, और ये जम्पर लगा देंगे इस आईसी के ये वाले पॉइंट से। तो ये जम्पर ऑलरेडी हमने लगा के रखा हुआ है यहां पर।
ये देखिए लग गया जम्पर, तो यहां से ये जम्पर लग गया है। तो हमने किया क्या है, हमने इसका जो माइनस पॉइंट है इसके प्लस में लगा दिया है और पूरा क्लीन, और इसका जो प्लस है ये हमने आईसी के इसकी ट्रैक में लगा दिया जिसमें हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ है, क्योंकि पिने बहुत ज्यादा छोटी है तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, शॉर्टिंग हो सकती है, इसलिए हमने ट्रैक में लगा दिया है। अब हम देखिए चेक करते हैं, क्योंकि ये लगा हुआ है और लाइट भी जल रही है, यहाँ पे आप चेक कीजिए, तो इसका जूम आउट करो, जूम आउट कर लो। अब देखिए यहाँ पे देखिए लाइट भी जल रही है, मतलब शॉर्टिंग नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं चलती और यहाँ पे हम कनेक्टर लगा देते हैं चार्जर प्लग, तो अगर लाइट मान लीजिए कि अगर नहीं चलती तो ये शॉर्टिंग होती। तो चलिए चेक करते हैं, इसको 20 वोल्ट पे रख लेते हैं और सबसे पहले हम जूम आउट कर ले, सबसे पहले हम वही चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना 4.8 वोल्टेज आ गया है, मतलब जहां बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज हमें 0.8 या 9 मिल रहे थे, वहां पे हमें वोल्टेज 4.8 मिल रहा है। इसका मतलब है ये आपके अब बैटरी को चार्ज कर देगा, जिन्हें डायोड लगा दिया है। एक बार और ध्यान रखें, क्योंकि आपने ये डायोड लगाया हुआ है तो इस जम्पर वायर को आप क्या करें, इस जम्पर वायर में थोड़ा सा टेप लगा के इसको थोड़ा लेटा के रखें। ज्यादातर टेक्नीशियन ये नहीं करते हैं, और जब मोबाइल फोन पैक करते हैं तो ये जम्पर वायर निकल सकता है। तो ऐसे आप किसी भी मोबाइल फोन की चार्जिंग सेशन को आप बना सकते हैं जनरेटर डायोड लगा के। तो जनरेटर डायोड करता क्या है, ये फिक्स वोल्टेज का डायोड होता है, 5 वोल्ट का डायोड होता है, ये एक फिक्स वोल्टेज को आगे जाने देता है और बाकी वोल्टेज को रिवर्स कर देता है। तो जनरेटर डायोड हमने जो निकाला है वो चार्जिंग कनेक्टर से निकाला हुआ, चार्जिंग कनेक्टर से आप निकाल सकते हैं, इसको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बाजारों में भी मिल जाता है और ईबे की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा। तो चले आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने अपने मोबाइल को इसी तरह बनाया होगा। मुझे सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़े रहे मेरे चैनल से, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।